यूपी विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां बड़े जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अगर हम बात करें भाजपा, तो वह भी मैदानी क्षेत्र पे उनके नेता मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं और लुभाने वादे कर रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरे जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। प्रयागराज में इस समय माघ मेले का आयोजन चल रहा है और माघ मेले में किन्नर अखाड़े का शिविर है। किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार ने पूरे 5 सालों में प्रदेश के विकास और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया है, किन्नर अखाड़ा उनके साथ है और निश्चित रूप से 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी। किन्नर अखाड़ा या आह्वान करता है सभी से कि फिर से उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिलाए और योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाए। किन्नर अखाड़ा माघ मेले में आए वाले संतों को जागरूक करने में जुटा हुआ है मतदान के लिए। इसके साथ साथ भाजपा के विकास के बारे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों को गुणगान कर रही है। धन्यवाद देती हूँ केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, दोनों ने इतना अच्छा काम किया है। देखिए, सड़कें इतना अच्छा बनाया है, महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना योजना सरकारी योजना लेके आ रहे हैं। इससे महिला लोग के लिए जितना उत्पीड़न होती थी, जितना उनको टॉर्चर होती थी, जितना उनका शोषण होती थी, अभी जाके देखिए उस पूरा शोषण खत्म है, पूरा भय मुक्त है हमारे समाज। और समाज आज देखिए, बनारस जाने के लिए आपको 4 घंटा लगता था, 3 घंटा लगता था, अब हम लोग 1.5 घंटे में बनारस पहुंच रहे हैं। ये छोटा सा आपको उदाहरण है। ऐसा बहुत सारे विकास किए हैं इस सरकार ने, तो मैं इस बिल्कुल मैं यही कहना चाहती हूँ कि 2022 में फिर से ये सरकार आवे और हम लोग पूरा किन्नर समाज इस सरकार के साथ है और इनको हम लोग आशीर्वाद देते हैं। जय श्री महाकाल। मैं कौशल्यानंद गिरी किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष है और महामंडलेश्वर और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य। राधे राधे।